वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान, छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटाढार ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था। तो वहीं 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, ये इतिहास जिन्होंने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास कहता है। और आज तो ये जो वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है कि मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटाढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। हालात ये दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ो, खत्म करो, दुनिया खत्म हो चुकी है। ये हालात इनके बन गए हैं कांग्रेस के। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है। ये वचन पत्र नहीं, सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा कांग्रेस ने आज फिर मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा है। आपसी नोकझोंक के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गया यह छल पत्र मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का एक क्रूर मजाक है। इस छल पत्र की शुरुआत उसी किसान कर्ज माफी के वादे से की गई है जिसका झुंझुना राहुल गांधी ने 2018 के अंदर बजाया था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि थोड़ी बहुत नैतिकता भी अगर होती तो कांग्रेस के इस नेतृत्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार बनाया, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, आप किस मुंह से आज फिर वादे करने का काम कर रहे हैं? किस मुंह से आप आज के वचन पत्र में जो 2018 के अंदर आपने कहा था, एक वचन पत्र को आपने 15 महीने की सरकार में पूरा नहीं किया था। श्रीमान करप्शन नाथ जी और श्रीमान बंटाढार जो आज तो दोनों तलवारें खिंच गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस मुंह से इस वचन पत्र के अंदर फिर से छल कपट और धोखे की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता के साथ करने का प्रयास किया है।